हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम में देर आर थ्री गोल्डन रूल्स। अगर आपके पास अकाउंट्स है, अकाउंट्स में भी आप पढ़ते हो कि आपके पास थ्री गोल्डन रूल्स होते हैं अलग तरह के अकाउंट्स के। और नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। जीडीपी होता है, एनडीपी होता है, जीएनपी होता है, एनएनपी होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो उस वेरिएबल्स में हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे कैसे जाएंगे, क्या घटाएंगे या क्या ऐड करेंगे, तो उसके लिए तीन गोल्डन रूल्स होते हैं। और वो कौन से रूल्स होते हैं गोल्डन रूल्स? पहला क्या होता है, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन घटाओगे तो नेट आएगा। देखो, आप अकाउंट्स भी पढ़ते हो तो इसको याद कैसे रखोगे? इसको आप याद कैसे रखोगे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो? तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद तभी तो आप नेट प्रॉफिट निकालते हो। तो जो अकाउंट्स पढ़ते हैं उनके लिए ये याद करना मुश्किल नहीं है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो नेट आता है। तो इससे आप याद रख सकते हो। और अगर आपके पास अकाउंट्स नहीं है तो आप वैसे ही याद कर लो। तो ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो नेट आता है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जीडीपी से एनडीपी अगर हम निकालेंगे तो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्रॉस से नेट पे आप कैसे जाओगे? तो यानी कि आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन घटाना है तब आप एनडीपी पे आओगे, ठीक है? तो ये वाला रूल आपको ध्यान रखना है कि ग्रॉस से जब हम डेप्रिसिएशन घटाते हैं तब हम नेट पे पहुंचते हैं। तो जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे, तो जब उसमें अप्लाई करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन दिखेगा और ग्रॉस दिखेगा, ठीक है? तो ग्रॉस से नेट पे हमें कैसे जाना है, डेप्रिसिएशन को घटाना है। तो पहला गोल्डन रूल ये हो गया। दूसरा गोल्डन रूल क्या है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जोड़ दो और सब्सिडी घटा दो तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है? फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, कोई भी चीज आपने 8 रुपए की बनाई, ठीक है? तो ये हो गई आपकी कॉस्ट हो गई। और गवर्नमेंट ने बोला कि 2 रुपए इस पे हम टैक्स लेंगे, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, 2 रुपए हम टैक्स लेंगे, तो मार्केट में आप कितना बेचोगे इसको, तो इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा 10 रुपए। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि कॉस्ट में जब आप टैक्स घटा टैक्स जोड़ते हो तो मार्केट प्राइस पे आते हो। तो यही तो हम कह रहे हैं कि फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। और एक सब्सिडी होता है, सब्सिडी क्या होता है, मान लो आपने कोई चीज 8 रुपए की बनाई, ठीक है, और गवर्नमेंट ने बोला कि इस पे 1 रुपए हमसे ले लो और इसको 7 का बेच दो, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो ये जो 1 रुपए गवर्नमेंट बोल रही है आपको जो दे रही है, तो यानी कि सब्सिडी दे रही है। तो जब कॉस्ट में से सब्सिडी घटाते हैं तो मार्केट प्राइस आता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, टैक्सेस से कोई भी चीज महंगी होती है और सब्सिडी से कोई भी चीज सस्ती होती है। यानी कि टैक्स और सब्सिडी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और जब दोनों होंगे किसी क्वेश्चन के अंदर तो दोनों होंगे, तो आप क्या करोगे, टैक्सेस ऐड करोगे और सब्सिडी माइनस करोगे, ठीक है? और टैक्सेस माइनस सब्सिडी को हम क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बोलते हैं। तो यानी कि ये जो टैक्सेस प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी है, इसकी जगह पे मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिख सकता हूँ, ठीक है? तो दूसरा गोल्डन रूल ये हो गया, ठीक है? मान लो आपका GDP @MP है, ठीक है, और उससे आपको GDP @FC पे जाना है, ठीक है? तो MP से FC पे कैसे जाओगे, FC में तो मान लो आपके टैक्सेस हैं, GDP @MP है आपका 1000, GDP @FC है आपका 800, ठीक है? तो टैक्सेस कैसे निकालोगे, तो GDP @FC प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू GDP @MP। हमको पता है कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो हम
टैक्स ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1,000 प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू 8, अच्छा फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे 800 है, ठीक है, 800 प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू 1,000, तो टैक्सेस यहाँ पे आ जाएंगे 200 रुपये, ठीक है। तो दूसरा गोल्डन रूल क्या है, फैक्टर कॉस्ट में जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए जाते हैं तो हमें मार्केट प्राइस मिलता है। तो दूसरा गोल्डन रूल ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, इसको इस तरीके से अप्लाई करना है, और आगे मैं कुछ इलस्ट्रेशन करूंगा उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालना है। तीसरा गोल्डन रूल क्या है, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर देते हैं तो नेशनल इनकम आती है, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट होती है, और नेशनल इनकम क्या होती है कि एक कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो कितना कमाते हैं, ठीक है, अपने कंट्री के अंदर और अपने कंट्री के बाहर। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यानी कि आपने आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स ने विदेश से 200 रुपये, 200 करोड़ कमाए मान लो, ठीक है, और विदेशी जो लोग आपके यहाँ रहते हैं उन्होंने 150 रुपये कमाए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितनी हो जाएगी, 50 रुपये हो जाएगी, ठीक है। और अगर डोमेस्टिक इनकम आपकी 500 करोड़ है तो डोमेस्टिक इनकम में ये 500 में 50 जोड़ दोगे तो नेशनल इनकम कितनी आ जाएगी आपकी, 550 करोड़, ठीक है। तो डोमेस्टिक से जब भी हम नेशनल पे जाते हैं हमें एन फीफा, ठीक है, एन फीफा ऐड करना है, और एन फीफा का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम में से 2 घटा 2। तो ये आपके देखो 3 गोल्डन रूल्स हैं नेशनल इनकम में जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, और इन्हीं को निकालने के लिए 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो उसमें उस बड़े क्वेश्चन के साथ हमें ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो रूल्स हैं इनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है और हमेशा आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये रूल्स। तो अब देखो हम देखते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो GDP एट MP दिया हुआ है और आपको NDP एट MP निकालना है, तो कैसे निकालोगे, क्या ऐड करोगे, क्या माइनस करोगे, देखो ग्रॉस और नेट ये तो सेम है यहाँ पे और ये भी सेम है, ठीक है, तो फर्क क्या है, ग्रॉस और नेट का फर्क है यहाँ पे। तो ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। तो ग्रॉस में जब हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमारे पास नेट आ जाएगा। तो इस पूरे दोनों वर्ड्स हैं GDP एट MP और NDP एट MP, इनमें से डिफरेंस क्या है, सिर्फ ग्रॉस नेट का डिफरेंस है। तो ऊपर वाले में से जब हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू NDP एट MP, ठीक है। तो मान लो ये आपको 1,000 करोड़ दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 80 करोड़, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 920 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये निकालते हैं और इस तरीके से हमें इस फॉर्मूले को निकाल के ये चीज को सॉल्व करना है। फिर देखो एक और एग्जाम्पल, GDP एट MP दिया हुआ है और आपको GNP एट MP निकालना है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें डिफरेंट हैं और क्या क्या चीजें सेम हैं। तो अब देखो ग्रॉस ग्रॉस सेम है, मार्केट प्राइस सेम है, बस डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है। तो डोमेस्टिक में हम क्या जोड़ें कि हमारी नेशनल इनकम आ जाए, तो ये हमने देखा हुआ है अभी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एन फीफा बोलते हैं इसको, और एन फीफा का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस पीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो एन फीफा मैं बोल रहा हूँ इसको, इसको फीफा भी बोला जाता है, लेकिन क्योंकि मैंने डिफरेंशिएट, आप इसको अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओगे तो फीफा माइनस पीटा इज इक्वल टू एन फीफा, तो इसको एन फीफा याद रखोगे तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो GDP एट MP में एन फीफा जोड़ दोगे तो GNP एट MP बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से अप्लाई कर दिया एक गोल्डन रूल। उसके बाद अगला देखते हैं, GDP एट MP से आप GDP एट FC कैसे निकालोगे, ठीक हो, है ना। तो यहाँ पे सेम सेम क्या चीजें हैं,
यहाँ पे ग्रॉस ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, ठीक है। और ये देखो, ये जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट है ना, ये सब में ही सेम होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। फिर यहाँ मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। हमें पता था कि फैक्टर कॉस्ट में जब ऐड करते हैं क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में जब ये ऐड करते हैं तो मार्केट प्राइस आता है, लेकिन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो इसी चीज को आप माइनस कर दोगे। तो ये देखो, हमने लेस कर दिया है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारा जीडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एफसी आ गया, ठीक है। तो इससे हमारा ये फॉर्मूला बन गया, जीडीपी एट एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाएंगे तो आपका जीडीपी एट एफसी आएगा, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इस तरीके से ये वाले एक वेरिएबल से हमने दूसरा वेरिएबल निकाल लिया। फिर एक और देखो, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है और एनएनपी एट एफसी निकालना है, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी में देखो कंपेयर करो, क्या क्या सेम है, क्या क्या डिफरेंट है। यहाँ तो कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना है, डेप्रिसिएशन घटाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आपको एनपीफा ऐड करना है, ठीक है। एनपीफा ऐड करना है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, फैक्टर कॉस्ट कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम निकाल लेंगे, और इन तीनों चीजों को हम लिख लेंगे। तो जीडीपी एट एमपी ये दिया हुआ है, इसमें मैंने क्या घटा दिया, लेस कर दिया डेप्रिसिएशन, फिर ऐड कर दिया एनपीफा, ठीक है, और फिर लेस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये देखो, तो मेरा क्या आ गया, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। तो इस तरीके से हमने देखो ये निकाल लिए। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल देखो, एनएनपी एट एफसी से आपको जीडीपी एट एमपी कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखो, नेट से ग्रॉस पे जाओगे तो क्या करोगे, हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन घटाते हैं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम ऐड कर देंगे, ठीक है। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो क्या करेंगे, देखो हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, नेशनल से डोमेस्टिक में क्या है, हम एनपीफा माइनस करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाते हैं तो एनपीफा ऐड करते हैं। अब हमें उल्टा करना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाओगे तो आप एनपीफा को माइनस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करना है। तो देखो, एनएनपी एट एफसी ये रहा, ऐड कर दिया आपने डेप्रिसिएशन यहाँ पे, और लेस कर दिया एनपीफा यहाँ पे, और ऐड कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से निकाल लिया, और इन सब में देखो क्या यूज हो रहा है, आपके थ्री गोल्डन रूल्स यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके से देखो, एक वेरिएबल से हम दूसरा वेरिएबल निकाल लेते हैं, और हमारे कौन से गोल्डन रूल्स अप्लाई हुए यहाँ पे, ये वाले हुए। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अदरवाइज आप नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करने हैं बिना किसी गलती के, और ये तीनों रूल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।